ओके जी, अब तक जो कुछ हमने देखा उसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल वगैरह की बेसिक डेफिनेशन हमने कवर की थी। अब हम बढ़ रहे हैं एक बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है आइसोटोप्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसकी डेफिनेशन वगैरह तो लाजमी याद की होंगी, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी बेसिक चीजों को डिस्कस कर लें ताकि इसके समझने में हमें आसानी हो। एटम इज मेड अप ऑफ थ्री बेसिक पार्टिकल्स, हम सबको पता है। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन्स, नंबर टू इज प्रोटॉन एंड नंबर थ्री इज न्यूट्रॉन। अब इनके चार्ज की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन जैसे नाम से ही पता चल रहा है इट इज जीरो, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता। एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल मेनली मौजूद होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देयर इज अ पॉजिटिव सेंट्रल न्यूक्लियस, दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर होते हैं शेल। शेल्स के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा पार्टिकल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक आ गया न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिए कि ये बाहरी शेल्स के अंदर मौजूद हैं, और रही बात ये न्यूट्रॉन्स की तो ये भी आपके न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये तो सारी पुरानी बात, हम इसको सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिफ्रेश हो। अब एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा, वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अभी हमने देखा इसकी डेफिनेशन, मैं लिख देता हूं पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी न्यूक्लियॉन्स, और ये दो हैं अभी हमने पढ़ा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यहां तक तो सारी बात क्लियर हो गई। अब हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं जो हमें आइसोटोप्स को समझने में आसानी देगी या हमारी हेल्प करेगी। दैट इज सबसे पहले आता है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वो क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन 1 या कार्बन 6 होता है, तो ये क्या होता है, ये नंबर कैसे हमें पता चलता है कि कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, यूरेनियम का 92 है, इस तरह वो हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर की बेसिक डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं उसके अंदर, 1। हम कहते हैं कार्बन 6, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, 6। जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, या जितने इसको अगर इस तरह कहें कि जितने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसी वजह से हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कह देते हैं कभी कभी। ये डेफिनेशन इसीलिए होती है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर में कोई फर्क नहीं है, जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है। अब बात आ गई रिप्रेजेंटेशन की, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर जब भी आप मेंशन करेंगे
इन सिंबॉलिक फॉर्म ये कैपिटल जेड में शक्ल में आएगा। ये तो हो गया प्रोटॉन नंबर। अब हम आगे चलते हैं, अगली जो डेफिनेशन है दैट इज एटॉमिक मास या इसको मास नंबर भी कहते हैं। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज, इसकी बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से क्या मतलब है? ये न्यूक्लियॉन्स है, अभी हम इसको पहले इसलिए डिस्कस किया है ताकि हम दोबारा देख लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। हम लिखते हैं कार्बन 12, तो 12 उसका क्या होता है? मास नंबर होता है। तो ये तो डेफिनेशंस हो गई हमारे पास एटॉमिक मास की, और एटॉमिक नंबर को हमने देखा। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल ए से। कैपिटल ए इज यूज टू रिप्रेजेंट एटॉमिक मास और कैपिटल जेड इज यूज टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। अब हम एक रिलेशन इनके दरमियान देखते हैं। अभी हमने बात की कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब एटॉमिक नंबर की अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करें, यहां पे मैं साइड पे मेंशन भी कर देता हूं, एटॉमिक नंबर वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो ये चीज इसकी जगह मैं एटॉमिक नंबर भी लिख सकता हूं इस डेफिनेशन के तहत जो हम पढ़ के आए हैं, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स इक्वल टू एटॉमिक मास। अब हम इनको अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो एटॉमिक मास इज ए, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज जेड, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक इक्वेशन सी हमारे पास बन जाती है। अब ये इक्वेशन हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक एलिमेंट के बारे में, सपोज एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर हम कहते हैं 6 है और एटॉमिक मास उसका 12 है, तो हमें इससे जो तीसरी इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के की मदद से। एटॉमिक मास इज 12, एटॉमिक नंबर इज 6 प्लस एन, तो हम यहाँ से n को कैलकुलेट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट x में n की क्वांटिटी कितनी है, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दे आर प्रेजेंट नंबर 6, 6 मुझे उनसे हैं इसके अंदर हमारे पास वो मौजूद है। अब आता है कि स्टैंडर्ड के तौर पे हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक एलिमेंट है उसका सिंबल हम दिखाते हैं, सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ जी आई हैव एन एलिमेंट कार्बन, कार्बन के बेस में और इस जगह पर हम कौन सी चीज को मेंशन करेंगे वो हम देख। यहाँ पर जो है उसके अपर राइट कॉर्नर पे हम जो चीज मेंशन करते हैं वो उसका एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, और उसकी सबस्क्रिप्ट में उसके नीचे इस जगह पे हम एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं, और ये जो होता है दिस इज एन एलिमेंट जिसका आप एलिमेंट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कार्बन है तो सी, हाइड्रोजन है तो एच, और लिथियम है तो Li, और इस तरह जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में डिफाइंड है वो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
तो अब हम इसको एक तस्वीर की मदद से समझते हैं। ये एक तस्वीर है जिसके अंदर ये एक हीलियम का एटम है, HeF हीलियम, दिस इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जो कि उसके बेस में हम मेंशन करते हैं, और उसका एटॉमिक मास नंबर आता है उसके ऊपर वाली साइड पर, ये है जी उसका मास नंबर 4 इज, ये लिखा भी हुआ है मास नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को जब हम ऐड करके लिखते हैं तो वो उसका मास नंबर बन जाता है। दिस नंबर 2 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो हमने पढ़ा है और ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। दिस नंबर लेट्स अस नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स देयर आर, इस नंबर से हमें क्या पता चलता है कि इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, इसके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब एक तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिलती है वो ये है कि आगे हमने पढ़ा था कि एटम जो है इज न्यूट्रल, राइट। जब तक उसके अंदर से, हम ये आइंस के वाले लेक्चर में ये बात पढ़ के आए हैं कि जब भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड होगा, सिर्फ तब वो आइन बनेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन नॉर्मली ये जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। तो इससे हमें जो नई चीज इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है कि अगर एक एलिमेंट एक्स है जिसके जिसका एटॉमिक नंबर जो है से 3 है और एटॉमिक मास जो है वो 7 है, तो इसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतनी नोटेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्वियस है वो है जी एटॉमिक मास, वो कितना है इसका 7। फिर आ जाता है एटॉमिक नंबर, वो कितना है 3। फिर आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू 3। ये इंफॉर्मेशन मिल गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने बात कर ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ आते हैं। न्यूट्रॉन्स की अभी हमने डेफिनेशन इस इक्वेशन के तहत पढ़ी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू ए माइनस जी, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर दें तो उस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 7 - 3 इज इक्वल टू 4। और तीसरा और आखिरी बेसिक पार्टिकल है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अभी हमने पढ़ा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बराबर है जेड के, ये है 3। तो इसको कैंसिल आउट कौन करेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन्स थे ये कैंसिल आउट होंगे 3 इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दे आर ऑल्सो 3। तो सिर्फ एक इतनी सी चीज गिवन होने से हमें 5 चीजें पता लगी, नंबर 1 एटॉमिक मास, नंबर 2 एटॉमिक नंबर, नंबर 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि रेड के इक्वल ही होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, नंबर 4 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, वो हमें दोनों को माइनस करके मिल जाता है, और नंबर 5 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, लिहाजा जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इतनी सी नोटेशन से मिल जाती है। ये सारी चीजें हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए ताकि हम अपना अगला जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि आइसोटोप्स होते क्या हैं और वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उनका मास वगैरह हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो था बेसिक डेफिनेशन अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ विच इज आइसोटोप्स। डेफिनेशन आप सबको याद होगी, मैट्रिक में आप लोगों को ने ये पढ़ा भी हुआ है कि एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक
मास, ये डेफिनेशन तकरीबन सबको याद होती है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, कि वो एटम्स एक किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास में उनके फर्क होता है। अब इसको हम समझते हैं। अब ये आइसोटोप्स की हमने बात की कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सपोज कर लें कि मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास जो है वो तो 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन उसका एटॉमिक मास इज 2। सही है। तो अब ये एलिमेंट इनका सेम है, दे आर फ्रॉम हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन के ही एटम है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी हाइड्रोजन वाली ही होंगी। फर्क सिर्फ कहां पे आ रहा है, उनके मास नंबर में उनका जो ए है वो डिफरेंट है जबकि उनका जेड जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको हम देखते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ हाइड्रोजन 1-1 का। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसके ये शेल हाइड्रोजन 1-1। अभी सबसे पहले हम इसको मेंशन करते हैं, अभी जो हमने तरीका सीखा उसके मुताबिक हम सारी चीजें इसको देख लेते हैं। जो वही पांच चीजें जो हमने अभी स्टडी की उसको हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से मौजूद है। इसके अंदर ए क्या है, ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये 1 है, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, जेड, जेड इज इक्वल टू 1। तीसरी चीज थी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई प्लस, ये कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जेड आर ऑलमोस्ट आर ऑल द सेम, ये दोनों के दोनों बराबर एक ही चीज है बेसिकली, तो ये भी 1 ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 1। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ, एन, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए इज 1, जेड इज 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने आ गए, 0। तो पता चला हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शेल में एक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन एक है, वो हमें यहाँ से पता चल गया, हमने मेंशन भी किया अभी। और न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं है, इट हैज नॉट एनी न्यूट्रॉन, ये किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन 1-1 का। अब हम जाते हैं हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप की तरफ, हाइड्रोजन 1 एंड 2, इसको स्टडी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं उसी तरह बना देता हूं। अब हम उसी तरीके से इसकी वो पांच चीजें मेजर करेंगे, मेंशन करेंगे, ए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज दिस वन, 2, एटॉमिक मास इज 2, जेड, जेड इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर होता है, इसी बेस पे लिखा हुआ है, इसी से आपको पता लग जाएगा, पी प्लस, प्रोटॉन्स आर इक्वल टू जेड, जितने वो होते हैं उतने ये होते हैं, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पी प्लस एंड ई माइनस, दिस इज इक्वल टू अगेन 1। तीसरी और आखिरी चीज न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हमें पता है, ए माइनस जेड, ए इज 2 एंड जेड इज 1, दिस कम्स आउट 1। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है वो ड्रॉ कर दिया, ये इसका न्यूक्लियस था जिसके अंदर प्रोटॉन उसी तरह एक है, लेकिन अब इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो एक मौजूद है। जो हाइड्रोजन 1-1 होती है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ये सारी आपने बात मैट्रिक में पढ़ी थी, ये होता है ड्यूटेरियम, और इसका एक तीसरा आइसोटोप भी होता है, दैट इज ट्रीटियम, इसको हम मेंशन करते हैं H1 और 3 से। अब उसी तरह इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, H1 और 3, यहाँ पे हम वो पांच चीजें मेंशन करते हैं। सबसे पहले A है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3, ये उसके ऊपर उसने दिया हुआ है, Z इज इक्वल टू उसी तरह 1 है,
आइसोटोप्स की डेफिनेशन ही ये है कि उनके मास नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे और उनके एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे। अब होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, ये जेड के बराबर ही होते हैं, लिहाजा ये भी एक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, या जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो आपके प्रोटॉन हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं और वन है। लास्ट थिंग इज न्यूट्रॉन्स, वही फॉर्मूला है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 -1, दिस कम्स आउट इक्वल टू 2। अब इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स उसी तरह 1, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं 2, और उसी तरह ये उसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर हम इन तीनों को मैं अगर समराइज करके लिख दूं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का सारी चीजों को मेंशन कर दूं, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये उसका हम यहां पे मेंशन कर देते हैं ए जेड पी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटियम का एटॉमिक मास हमने देखा 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है, क्योंकि मास ही में ये डिफर कर रहे हैं लिहाजा इनका मास में फर्क होगा। जेड हमने देखा कि एटॉमिक नंबर होता है, आइसोटोप की डेफिनेशन ही ये कहती है कि एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, लिहाजा ये तीनों का क्या है 1 है। अब हम आगे जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, लिहाजा ये भी हमने अभी ऊपर मेंशन किया तीनों का 1 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये भी 1 ही है सब में। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है यहाँ पे, अगर हम प्रोटियम को देखें ऊपर तो प्रोटियम के अंदर 0 थे, ड्यूटेरियम के अंदर 1 थे, एंड ट्रिटियम के अंदर हमने देखा ये 2 मौजूद थे, तो फर्क सिर्फ न्यूट्रॉन्स के अंदर है, प्रोटियम के अंदर कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, ड्यूटेरियम के अंदर 1 है और ट्रिटियम के अंदर 2 है। इससे पता क्या चला कि सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कम या ज्यादा होंगे किसी भी चीज के अंदर तो उसका आइसोटोप चेंज होता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसका जो नंबर ऑफ मास नंबर जो चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से हो रहा है। अभी हमने बात की कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। अब कैसे सेम होंगी वो हम देख लेते हैं, किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन के, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बॉन्डिंग जो है वो मैटर करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि ये बाहर शेल्स के अंदर होते हैं और शेल्स में मौजूद होने की वजह से रिएक्शन का पार्ट भी यही बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज होती है वो न्यूक्लियस ही में रहती है। अब अभी हमने ऊपर अपने इस टेबल को देखें तो हैं तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के एटम्स, और इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो वो तीनों के अंदर सेम है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज किसने डिफाइन करनी है, इलेक्ट्रॉन्स ने, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आइसोटोप्स की सेम होती हैं, आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होंगी, सही हो गया। दूसरी चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी, क्यों डिफरेंट होंगी, जाहिर सी बात है कि एक चीज है वो लाइटर है, उसका मास थोड़ा है, दूसरी का मास ज्यादा है, तो उसकी जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो उसके उसकी शक्ल से रिलेटेड हैं या उसकी शेप से या उसके साइज से रिलेटेड हैं, वो ऑब्वियसली एक चीज हल्की और एक चीज भारी है तो वो डिफरेंट हो जाएंगी। इसको अगर हम देखें तो ये एक तस्वीर है जो कि इस प्रॉपर्टी को शो कर रही है, ये रहा, ये हाइड्रोजन 1 1 है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है,
ये हाइड्रोजन 2 है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी है, अभी हमने बात की, ये दो आइसोटोप को कंपेयर कर रहा है। ऑब्वियसली इसका वेट कितना है, 1 प्रोटॉन, और इसका वेट अब डबल हो जाएगा, 1 प्लस 1 न्यूट्रॉन भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब ये देखें, ये आपको जो बैलेंस नजर आ रहा है इसमें, ये ऑब्वियसली भारी है तो ये डाउन है और ये ऊपर है क्योंकि ये लाइटर है। अब इससे साबित क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है फिजिकली, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये भारी है ये हल्का है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने अभी बात कर ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो उनकी सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है एक ही चीज और वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, जो बुक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल उन्होंने हमें दी हुई है अबाउट आइसोटोप्स। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के हमने अभी बात की, हाइड्रोजन इट हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स इक्वल टू 3 आइसोटोप्स, इसके आइसोटोप्स हैं होते हैं 3। इसी तरह हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स 3 होते हैं। निकल ये एक मेटल है, इट हैज नंबर ऑफ आइसोटोप्स 5। कैल्शियम अनदर मेटल, इसके आइसोटोप्स होते हैं 6। इसी तरह पलाडियम है, पलाडियम इसको कुछ भी पढ़े, दिस इज इक्वल टू 6, इसके भी 6 आइसोटोप्स होते हैं। सिमिलरली कैडमियम, कैडमियम भी एक एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर 9 और 10, 10 के सबसे ज्यादा होते हैं, इट हैज 11 आइसोटोप्स। सो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक में भी गिवन है और कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लेते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, पैलेडियम के कितने एग्जिस्ट करते हैं। और अब ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड या जितने भी आइसोटोप्स नेचुरली अकर करते हैं, दे आर इन टोटल 280 नंबर ऑफ आइसोटोप्स अकर इन नेचर। नेचुरली ये जो एग्जिस्ट करते हैं वो 280 होते हैं। अब इन 280 के अंदर जो होते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 40 जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और 220 आर नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं वो आपको पता है, जिनमें से इसकी डिटेल भी आगे चल के आएगी। रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमेना होता है जिसमें से एटम के अंदर से रेज रेडिएशंस एमिट होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो ये सारी इसकी क्वांटिटी वाइज उन्होंने बात की हुई है कि 280 जो हैं टोटल हैं, जिनमें से 40 आर रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट एक टर्म बुक में हमारी यूज की हुई है, दैट इज मोनो आइसोटोप, मोनो आइसोटोप। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप है, मतलब उनका उनके अलावा कोई भी और आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, तो दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोप्स, या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। इन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनके जो से आइसोटोप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक हैं। अब इनके अंदर कौन कौन आ जाता है, इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन से आगे चले आयोडीन, गोल्ड, इन सब के एक ही आइसोटोप मौजूद है, मतलब इनके डिफरेंट आइसोटोप नहीं है, इनका एटम जहां पे भी आपको मिलेगा उसका एक ही एटॉमिक नंबर, एक ही मास नंबर होगा, उनका मास नंबर डिफरेंट नहीं हो सकते। सो यहाँ पे ये तस्वीर भी हम देखते हैं जिसमें हमें मदद मिलेगी आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को मजीद समझने में। ये वही बात है जो हमने अभी आगे भी की है, द न्यूक्लियाई ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के न्यूक्लियस की उन्होंने ये डिटेल दिखाई है। ये प्रोटियम है, प्रोटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव है ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, ये प्रोटॉन है 1 प्रोटॉन।
ड्यूटेरियम हमने पढ़ा आगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप देखें अगर तो तीनों में सेम है, वन वन और वन, एक ही येलो बॉल विद पॉजिटिव साइन, मतलब एक एक ही प्रोटॉन्स है सब में। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वही हमने बात जो आगे देखी कि न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से आइसोटोप बन रहा है, वही हम यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे न्यूट्रॉन है नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है ही नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जीरो। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, ये मौजूद है ऑरेंज कलर में मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, आपके एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, और जब मास नंबर चेंज होता है तो वो आइसोटोप आपका बनता जाता है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिखाई हुई है। ओके, अब अगर हम अपनी बुक में देखें तो एक टर्म इस्तेमाल हुई हुई है, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस। अब ये क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम समझ लेते हैं। रिलेटिव अबंडेंस, सपोज कि मैं एक रूम के अंदर एक सिलेंडर खोल देता हूं लाके, ये एक सिलेंडर है किसी भी गैस का, ये उसके आगे नोजल है, उसका मुंह है, राइट। इसके अंदर मैं सपोज कर लेता हूं कि इट हैज हाइड्रोजन गैस, ये एक गैस का सिलेंडर है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। अब हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर तीनों आइसोटोप्स मौजूद होंगे, वन वन टू ओ वन थ्री, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, ये तीनों इसके अंदर जो होते हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने कितने मौजूद होंगे, क्या ये एक दूसरे के इक्वल होंगे या क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये चीज कौन सी, इसी चीज को हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में वो चीज पाई जाती है नेचुरली, नेचुरली वो चीज कितनी अबंडेंट है। अगर हम कहते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा अबंडेंट है, मतलब ये बहुत कसरत से पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी आइसोटोप को स्टडी करने के लिए। अभी होता क्या है, वी हैव थ्री आइसोटोप्स, हाइड्रोजन वन वन, हाइड्रोजन वन टू एंड हाइड्रोजन वन एंड थ्री। अब अगर मेरे पास उस गैस के जार के अंदर 100 एटम्स थे हाइड्रोजन के, या 100 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन के, तो उसमें से हमें नहीं मालूम कि कितने जो होते हैं प्रोटियम के होंगे, कितने इसके होंगे और कितने इसके होंगे। तो ये नेचुरली जो है, साइंटिस्ट जब भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है या उसके आइसोटोप्स के बारे में पता चलता है, तो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक टेक्निक है जिसके तरीके, जिसके नतीजे में हम किसी भी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं कि कौन सा कितना ज्यादा अबंडेंट है, कुदरती तौर पे कितना ज्यादा पाया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट्स से जो प्रूफ हुआ है, हाइड्रोजन वन वन की जो अबंडेंस होती है वो होती है 99.985%, और हाइड्रोजन वन टू की होती है 0.015, और प्रोटियम ट्रिटियम की बहुत ही कम होती है। अब जब मैंने उस जार की बात की तो उसके अंदर 99.985% क्या होगी, हाइड्रोजन 11 होगी। अभी हमने बात की थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल राइट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो उस चीज की हमने बात आगे कर ली भी है कि वो तो सेम रहेंगी, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है जेड के ऊपर, और जेड तीनों का सेम होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर, मास नंबर डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और भी स्टडी करें, आप लोगों ने अपनी मैट्रिक में पढ़ के आए हैं आप लोग कि एलिमेंट्स को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके का एक पेयर टेबल बना देते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को हम प्लेस कर देते हैं। अब उस एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो उसकी काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेंशन की होती है,
सपोज कर लें मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इस कोने के ऊपर मौजूद होता है एटल टेबल के। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो मैंने लिख दिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन करनी है वो मैं किसकी करूं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है, H11 की करूं, H12 की मैं शो करूं या H1 और 3 की शो करूं, तो हम उसकी शो करते हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस 99.985% है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या पेयर टेबल में मेंशन करूंगा वो इसकी होंगी, ना कि मैं इन दोनों की मेंशन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली सबसे ज्यादा अबंडेंट है। आपके बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो उन्होंने मेंशन की हुई है, और साथ में उनका मास भी दिया हुआ है डिफरेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव अबंडेंस हमें हेल्प आउट करती है किसी भी चीज को पेयर टेबल पे सही जगह पे प्लेस करने में। और हमें ये भी पता चलता है कि अगर नेचुरली आपके पास कोई चीज मौजूद है तो उसके अंदर कौन सी चीज कितनी ज्यादा है। अब रिलेटिव अबंडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक अलग टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने यही चीजें पढ़ी हैं, अभी हम उनको समराइज करते हैं। हमने सीखा इस लेक्चर में एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एलिमेंट को, और फिर उससे बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की किस तरीके से निकालते हैं। फिर हमने स्टडी की है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की हमने देखी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने उसकी डेफिनेशन में एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। डेफिनेशन इज एलिमेंट्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर। इस डेफिनेशन के बाद हमने समझा कि किसी भी आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से मास नंबर चेंज होता है, और मास नंबर के चेंज होने से आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने उनकी एग्जांपल्स देखी, और एंड पे हमने बात की रिलेटिव अबंडेंस की। ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हमारे फंडामेंटल हैं केमिस्ट्री को आगे लेके चलने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर।